नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगन और आज मैं आप सभी के लिए खास प्रोग्राम लेकर आई हूं जिसका नाम है गुड न्यूज प्रोग्राम। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का नाम गुड न्यूज है, तो भाई आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज मैं आप सभी को बॉलीवुड के एक एक्टर से जुड़ी एक खास गुड न्यूज बताने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद फैंस भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जो इस वक्त 95 इयर्स के हैं और वो काफी ज्यादा बीमार हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उनका नाम है दिलीप कुमार। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं दिलीप कुमार पिछले काफी वक्त से काफी ज्यादा बीमार चल रहे हैं। उन्हें कई बार मुंबई के लीलावती अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया और इस वक्त भी वो मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। साथ ही साथ ये कहा गया था कि उनको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद से उन्हें तुरंत अस्पताल लेके जाना पड़ा। और साथ ही साथ हॉस्पिटल से एक और खबर सामने आई थी, वो ये आई थी कि दिलीप कुमार को निमोनिया भी हो गया है, जिसके बाद से फैंस काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। लेकिन अब जो हम आपको खबर बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि भाई दिलीप कुमार की तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है। अब वो कैसे सुधार आ रहा है ये आपको तो हमारी इस खास रिपोर्ट में ही जानने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, जब से दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई थी उसके बाद से ही फैंस काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। हर कोई, पूरा बॉलीवुड और सारे फैंस दिलीप कुमार की सेहत के लिए दुआ मांग रहा था। वहीं दिलीप कुमार की वाइफ और बॉलीवुड एक्ट्रेस सायरा बानो भी दिलीप कुमार का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रही हैं। वो उनके पल पल का ख्याल रखती हैं, उनके खाने पीने से लेकर हर चीज़ का सायरा बानो दिलीप कुमार का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती हैं। और समय समय पर वो सोशल मीडिया पर ट्वीट करके दिलीप कुमार के फैंस को उनकी अपडेट देती रहती हैं, उनकी तबीयत को लेकर नई नई चीज़ें बताती रहती हैं। वहीं सायरा बानो फैंस से ये गुजारिश भी करती हैं कि हर कोई अब बस यही दुआ करे कि दिलीप कुमार साहब अब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नज़र आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार दिलीप कुमार से लेकर वो कौन सी गुड न्यूज़ है जो आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में जानने को मिलेगी। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग कहलाए जाने वाले दिलीप कुमार पिछले काफी वक्त से काफी ज्यादा बीमार चल रहे हैं और उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में निमोनिया के इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, इससे पहले जब दिलीप कुमार को भर्ती करवाया गया था तब भी उनकी काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी और इस बारी दिलीप कुमार को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पता चला कि उन्हें निमोनिया हो गया है। आपको बता दें, दिलीप कुमार के एक पारिवारिक दोस्त ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी। दिलीप कुमार को बुधवार को बांद्रा के लीलावती अस्पताल और रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया। उन्हें सीने में संक्रमण की वजह से असहज महसूस करने के बाद अस्पताल में ले जाया गया था और उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। आपको बता दें, दिलीप कुमार के करीबी ने इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि वो आईसीयू में हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। जी हां, दिलीप कुमार के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि अब उनकी हालत में सुधार देखा जा रहा है और वो जल्द से जल्द धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी और अभिनेत्री सायरा बानो उनके साथ हैं और उनका पूरा पूरा ख्याल रख रही हैं। आपको बता दें, दिलीप कुमार की तबीयत को लेकर अक्सर ही सायरा बानो सोशल मीडिया पर फैंस को बताती रहती हैं, उनको अपडेट करती रहती हैं। और सायरा बानो ने पिछले दिनों फैंस से गुजारिश भी की थी कि दिलीप कुमार के लिए सब लोग दुआएं मांगे, आपकी दुआओं से वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। आपको बता दें, दिलीप कुमार 95 इयर्स के हैं और अब वो काफी ज्यादा बीमार भी रहते हैं, जिसके बाद से फैंस काफी ज्यादा दुखी हैं। आपको बता दें, दिलीप कुमार बॉलीवुड के एक ऐसे दिग्गज एक्टर थे जिनकी फिल्मों का हर कोई इंतजार करता था, हर कोई उनकी
फिल्म देखने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार करता था, लेकिन आज दिलीप कुमार काफी ज्यादा बीमार हैं, तो जिसके बाद से हर कोई दिलीप कुमार की अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांग रहा है। वहीं आपको बता दें, हॉस्पिटल में दिलीप कुमार का इलाज जारी है, उनकी हालत सामान्य है और इस प्रगति में वो काफी खुश हैं। आपको बता दें, दिलीप कुमार की हालत में पहले से काफी ज्यादा सुधार आया है और कहा जा रहा है कि दिलीप कुमार को अब जल्द से जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। यही फैंस भी काफी ज्यादा खुश है ये खबर सुनकर कि भाई दिलीप कुमार अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और उनकी हालत में काफी ज्यादा सुधार आ रहा है। दिलीप कुमार के भतीजे फैजल फारूकी ने सबसे पहले उनकी बीमारी होने की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी। वहीं अभिनेता यानी कि दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने गुरुवार को बताया था कि उन्हें निमोनिया हुआ है, जिसके बाद से फैंस काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। लेकिन अब खबर जो सामने आई है वो ये सामने आई है कि दिलीप कुमार धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। वहीं आपको बता दें, दिलीप कुमार देश के सबसे बेहतरीन अभिनेता थे। उन्होंने कोहिनूर, मुगल-ए-आजम, शक्ति, नया दौर, राम और श्याम में एक्टिंग कर सबके दिलों में खास जगह बना ली थी। वो आखिरी बार सिल्वर स्क्रीन पर 1998 में किला में नजर आए थे, जिसके बाद से वो किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आए थे। वहीं फैंस भी उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए हमेशा ही काफी ज्यादा उत्साहित रहते थे। लेकिन आज भी दिलीप कुमार की फिल्मों को फैंस याद करते हैं। आपको बता दें, दिलीप कुमार के लिए बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया पर यहां तक कि फैंस भी उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं, तो वहीं पे सायरा बानो भी समय समय पर दिलीप कुमार की सेहत की जानकारी सबको देती हुई नजर आती हैं। वहीं अब जो खुशखबरी सामने आई है वो यही आई है कि दिलीप कुमार निमोनिया उनका ठीक होता जा रहा है और अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, उनकी हालत में सुधार आ रहा है, वो अपनी बीमारी से धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं और अब वो जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जिसके बाद से वो अपने घर पर लौट आएंगे। देखा आपने कि किस तरीके से दिलीप कुमार की तबीयत में अब काफी ज्यादा सुधार आ रहा है, उनका निमोनिया अब धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, तो वहीं अब उन्हें सांस लेने में भी कम दिक्कत हो रही है। आपको बता दें, दिलीप कुमार इससे पहले भी कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, वहीं बॉलीवुड के तमाम सितारे भी उनसे मिलने के लिए जाते रहते हैं। आपको बता दें, हर कोई दिलीप कुमार की अच्छी सेहत के लिए दुआ मांग रहा है, हर कोई बस यही चाहता है कि दिलीप कुमार अब जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि आपको बता दें, दिलीप कुमार पिछले काफी वक्त से बीमार हैं, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में भी जिस तरीके से सायरा बानो यानी कि उनकी पत्नी जिस तरीके से उनका पूरा ख्याल रखती हैं, जिस तरीके से उनको लड़ने की अपनी बीमारी से हिम्मत देती हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। आपको बता दें, दिलीप कुमार बॉलीवुड के एक ऐसे दिग्गज एक्टर थे जिनकी फिल्मों का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार करते थे और आज भी दिलीप कुमार के फैंस उनकी फिल्मों को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। हर किसी को दिलीप कुमार की फिल्म याद है, हर कोई बस यही चाहता है कि दिलीप कुमार अब जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जल्द से जल्द उनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाए और वो अपने घर पर आराम करें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिलहाल तो वक्त हो चला है आप सभी से ही विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा। जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन की और भी कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें नेक्स्ट नाइन न्यूज और बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज को। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।